हेलो किसान साथियों, स्वागत है आपका जतपुर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त कोमल साहू। और किसान साथियों, हम फिर से आ गए हैं बैतूल बाज़ार कृषि विज्ञान केंद्र में। और यहां फसल प्रदर्शनी में जो फसलें लगी हुई है, हम चलिए देखते हैं कि अभी फसल में कौन सी अवस्था चल रही है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर अभी चरपट से कली बनने की या जो फली है उसका साइज बनने की अवस्था में अभी सोयाबीन है, और वो ड्यूरेशन के हिसाब से किसी में छोटी या किसी में बड़ी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। जो आप देख रहे हो किसान साथियों, ये वैरायटी है JS 9752। इसमें अभी चरपट की अवस्था है जहाँ कलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। ये आप देखिए, ये देखिए, इस तरीके से सभी फसलों में ये व्यवस्था है। अब चलिए किसान साथियों, चलते हैं अगली वैरायटी की तरफ। ये हमारी किस्म है NRC 86। ये थोड़ी मिड रेंज की वैरायटी है किसान साथियों। इसमें फलियों का फॉर्मेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, इसमें फलियां इस तरीके से बन चुकी हैं। ये देखिए, ये देखिए किसान साथियों, ये इस तरीके से इसमें फलियां लगी हुई है। और फलियों का लगभग साइज कुछ का कंप्लीट हो चुका है और कुछ का चल रहा है। अब चलते हैं किसान साथियों हमारी अगली वैरायटी की तरफ, जो वैरायटी है RVS 2018। RVS 2018 में किसान साथियों अभी चरपट की अवस्था है। ये देखिए, छोटी फलियां हैं अभी ये, क्योंकि वैरायटी थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की है। और ये स्थिति है इसमें। और अब आते हैं किसान साथियों अगली वैरायटी हमारी RVS 2076। इसमें फलियों का साइज किसान साथियों कुछ इस तरीके का हो चुका है, और इसमें फलियों की मात्रा बहुत ही ज़बरदस्त है, और फलियां अपने आकार को लगभग पूरा कर चुकी हैं। ये देखिए, अच्छी खासी फलियां लगी हैं इसमें। अब चलते किसान साथियों हमारी अगली वैरायटी की तरफ। जो हमारी अगली वैरायटी है वो RVS 2014। और इसमें लगभग सेंगा या जो फली है तैयार हो रही है। ये देखिए, ये 90 से 95 दिन की वैरायटी किसान साथियों। इस तरीके से इसमें फली ठीक लगी हुई है। अब चलते हैं हमारे अगले प्लाट की तरफ, और ये हमारी वैरायटी है 9305। जो किसान साथियों, ये थोड़ी अर्ली वैरायटी है, इसमें सेंगा काफ़ी बन चुकी है और सेंगा का फॉर्मेशन भी चालू है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें सेंगा बन रही है, कहीं बन चुकी है और कुछ छोटे चरपट बड़े हो रहे हैं। और अगली वैरायटी किसान साथियों हमारी 2069। JS 2069 किसान साथियों 95 से 98 या लगभग 100 दिन की वैरायटी है। ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। इसमें देखिए फलियाँ, ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से लगी है। फलियों की संख्या भी अच्छी है और 3 दाने वाली फलियां हैं किसान साथियों इसमें। अब आते हैं हम हमारी अगली वैरायटी JS 2029। एक समय में किसान साथियों इस वैरायटियों का बहुत नाम हुआ था और बहुत अच्छा इनने उत्पादन भी दिया था। देखते हैं किसान साथियों इसमें फलियां कैसी लगी है। ये देखिए, तरीके से इसमें पूरा पौधा फलियों से लदा हुआ है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, आप इन जरूर ट्राई करिए। और एक JS 2034 हमारी अगली वैरायटी, और आइए देखते हैं इसमें फलियां कैसे आई है। ये रही किसान साथियों हमारी वैरायटी, और ये काफ़ी अर्ली वैरायटी है किसान साथियों। लगभग 85 से 90 दिन में इसमें लगभग ये जो फलियां हैं इसमें दाने बन चुके हैं थोड़े, है ना। ये देखिए, और अगली वैरायटी हमारी 95-60, सबसे सुपर चलने वाली वैरायटी 80 से 85 दिन की, और इसमें दाने, ये देखिए, ये उत्पादन कम देती है किसान साथियों,
मगर इसके बारे में एक चीज़ है कि अगर आपने इसको लगाया है तो आप इसको ज़रूर काटोगे, मतलब इसमें पकने की श्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये चार दाने वाली होती है और इसका दाना बहुत मोटा तगड़ा और वज़नदार होता है। इस तरीके से फलियाँ लगी है किसान साथियों। तो किसान साथियों, आपने देखा यहाँ पर जो वेराइटियों का ट्रायल लगा हुआ है, इसमें फसलों की अभी वास्तु स्थिति में जो स्थिति चल रही है, चरपट से फली बनने और कुछ जो अर्ली वेराइटियाँ हैं उसमें दाना भरने की अवस्था आ चुकी है। अब किसान साथियों, इसका हम अगला वीडियो बनाएंगे जब ये फसल पककर के तैयार हो जाएगी और कटाई नहीं हुई होगी, तब हम खड़ी फसल में इसके एक अगली वीडियो बनाएंगे, जब आपको स्पष्ट तौर से क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी ज़मीन के हिसाब से और पानी की उपलब्धता के हिसाब से कौन सी वेराइटी का चुनाव करना है। तो चलिए किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर अब तक किसान साथियों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।